क्या हालचाल है भाई लोग, आज अपन बात करेंगे विज खलीफा के बारे में। वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट और एक बहुत हम्बल पर्सनालिटी है ये। इनके बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स है और वर्ल्ड वाइड इनकी फैन फॉलोइंग है। इवन इंडिया में भी इनका अच्छा खासा फैन बेस है और ये इंडिया टूर पे भी आ चुके हैं। अपने काफी भाई लोग ने बोला था कि विज के ऊपर बायोग्राफी करो, तो सभी विज खलीफा फैंस के लिए डेडिकेटेड वीडियो है ये, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज मैं भी विज खलीफा का बहुत बड़ा फैन हूँ। स्कूल के कॉपी किताब के पीछे मैं टेलर गैंग का लोगो वगैरह बना के रखता था। विज एक स्टोनर है और इनका खुद का मैरिजुआना प्रोडक्शन भी है जिसका नाम है खलीफा खुश। विज की स्टोरी बहुत ही एक्साइटिंग है और कैसे ये जीरो से इतने बड़े आर्टिस्ट बने और अपने स्लिम बॉडी से लेके इन्होंने इतना वेट गेन वगैरह कैसे किया, ये सब आज हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं आपको कि जो अपना चैनल है वो हिप हॉप हब है। हिप हॉप आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेके हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट पे हम वीडियो बनाते हैं। ट्रिपल एस टेंटेशन, जूस वर्ल्ड, एमसी स्टैन, डील पीप वगैरह की भी बायोग्राफी हमने कवर किया है। उन सब वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है विज खलीफा का। और अपना वीडियो तीन सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो विज की पूरी बायोग्राफी होगी, देन कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स मैं आपको दूंगा, एंड लास्ट में एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। तो अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना। तो चलो चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं विज खलीफा की कहानी। विज खलीफा, जिनका असली नाम है कैमरॉन जिब्रिल थॉमस, इनका जन्म हुआ था माइनॉट, नॉर्थ डकोटा, यूएस में। ये एक मिलिट्री पेरेंट्स के घर में पैदा हुए थे जो कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते थे। जब विज 3 साल के थे तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे, फिर वो अपनी मॉम के साथ रहते थे पिट्सबर्ग में। विज के घर में सब म्यूजिक लवर्स थे तो हमेशा कोई ना कोई नया म्यूजिक वो सुनते थे, तो इस तरह उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट आया। जैसे कि मैंने बताया था कि उनके पेरेंट्स का ट्रांसफर होता रहता था एक जगह से दूसरी जगह, तो जो भी उनके दोस्त थे सबसे अलग होना पड़ता था उन्हें, और सो उनके बचपन में एक ही चीज उनके साथ रहती थी, वो था म्यूजिक। छोटी उम्र में ही विज पोएम्स वगैरह लिखने लग गए थे ताकि वो उनके थॉट्स वगैरह एक्सप्रेस कर पाए। सब म्यूजिक में से उनको रैप म्यूजिक सबसे ज्यादा अच्छा लगता था और वो बहुत इन्फ्लुएंस थे 90s के रैप से, जैसे कि बिगी, बिग डैडी केन से लेके NWA और वू टैंग क्लैन तक। विज की स्कूलिंग हुई है टेलर ऑल्डरडाइस हाई स्कूल से और वो काफी अच्छे स्टूडेंट थे अपने क्लास में। यूजुअली बहुत कम रैपर्स है इंडस्ट्री में जो एक अच्छे स्टूडेंट है और विज उनमें से एक है। स्कूल के दौरान विज अपने नोटबुक्स वगैरह में लिरिक्स लिखते थे और वहां से उनके रैप करियर की शुरुआत होती। उनका स्टेज नेम जो है खलीफा, वो एक अरबिक वर्ड से है जिसका मीनिंग है लीडर या रूलर, जो उनके ग्रैंडफादर उन्हें प्यार से बोलते थे। जैसे कि निकनेम विज था और खलीफा भी ज्वाइन कर लेता, तो इस तरह से स्टेज नेम बना था विज खलीफा। विज ने धीरे धीरे रैप वगैरह करना चालू कर दिया था और 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मिक्सटेप निकाला था जिसका नाम था वर्ड्स ऑफ विजडम, और उन्होंने ये मिक्सटेप खुद रिकॉर्ड और प्रोड्यूस भी किया था। They were a trash. I'll never be a producer, bro. जब विज 15 साल के थे तब वो अपनी पॉकेट मनी वगैरह जोड़ के ID Labs नाम के एक स्टूडियो में जाते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, और एक दिन वहाँ के मैनेजर ने विज को रैप करते सुना और उनके रैप स्किल्स और लिरिक्स से काफी इंप्रेस हुए वो। उन्होंने विज को स्टूडियो में फ्री रिकॉर्ड करने के लिए ऑफर किया, बदले में उन्हें वहाँ की साफ सफाई करनी पड़ती थी और छोटे मोटे वहाँ पे काम करने पड़ते थे। विज ने खुशी खुशी ये डील एक्सेप्ट किया और वहाँ पे साफ सफाई के साथ साथ वहाँ पे गाने वगैरह भी रिकॉर्ड करते थे। और एक दिन स्ट्रम रिकॉर्ड्स के CEO बेंजी ने उनका वर्स सुना जो एक रैप साइफर का था जो उनके सिटी पिट्सबर्ग का था, और उन्होंने बेंजी को ये वर्स काफी अच्छा लगा। लेकिन विज तब सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन जो उनका पोटेंशियल था वो बहुत लिमिटलेस था। बेंजी तभी समझ गए थे कि विज खलीफा एक दिन एक बहुत बड़े स्टार बनेंगे, तो विज खलीफा को तुरंत उन्होंने रोस्ट्रम रिकॉर्ड्स में साइन किया और उनके स्किल्स वगैरह भी एनहेंस किया। 16 साल की उम्र में विज खलीफा ने अपना पहला टैटू बनवाया था जो कि उनकी मॉम ने उन्हें ऐसे बर्थडे प्रेजेंट बनवा के दिया था, और आज उनके पूरे बॉडी में टैटू है और वही अब उनका सिग्नेचर लुक हो गया है। एक पार्टी के दौरान विज ने पहली बार वीड ट्राई किया था, तब वो सिर्फ टीनेजर थे। पहले विज वीड को काफी हेट करते थे, लेकिन उसके बाद आज आपको पता ही है कि वो कितना ज्यादा वीड लेते हैं। हर एक बंदा जो स्कोर करता है वो एक ना एक बार स्नूप डॉग और विज खलीफा के साथ फूकना जरूर चाहता है। We got a hotel for his birthday and we was like, yo, we gonna hotbox the bathroom. Wow. And I had never smoked before, but I was acting like I smoked. रोस्ट्रम रिकॉर्ड्स के थ्रू विज फिर छोटे मोटे शोज वगैरह करने लग गए थे ताकि वो अपना एक फैन बेस बना पाए और लाइव स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह भी सीख जाए। 2005 में विज खलीफा ने अपना पहला मेन स्ट्रीम एल्बम ड्रॉप किया जिसका नाम था प्रिंस ऑफ द सिटी वेलकम टू पेंसिल्वेनिया। तब विज 18 साल के थे, एंड उसके बाद शो एंड प्रूव भी ड्रॉप किया, और दोनों ही प्रोजेक्ट काफी सही थे और एक अच्छा खासा बस जनरेट कर चुके थे विज खलीफा के लिए, एंड रोलिंग स्टोन मैगजीन द्वारा उन्हें बेस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट के लिस्ट में भी एड किया गया था। 2007
बाद में विज खलीफा रोस्टम रिकॉर्ड्स के थ्रू वार्नर ब्रदर्स रिकॉर्ड्स में साइन हुए थे एंड उसके बाद विज ने दो मिक्स टेप निकाला था जिसका नाम था ग्रो सीजन और प्रिंस ऑफ द सिटी 2 और अच्छा खासा ऑनलाइन बस जनरेट कर चुके थे। उस साल के एंड में विज ने वार्नर ब्रदर रिकॉर्ड्स के थ्रू अपना डेब्यू सिंगल निकाला था जिसका नाम था से ये एंड वो गाना बिलबोर्ड पे टॉप 40 लिस्ट में 25th नंबर पे था और अच्छा खासा हिट हुआ था ये गाना। फिर स्टार पावर और फ्लाइट स्कूल जैसे मिक्स टेप आए और वो काफी सही ऑनलाइन बस जनरेट कर चुके थे। विज अपना एल्बम निकालना चाहते थे बट वार्नर ब्रदर्स रिकॉर्ड्स उनका एल्बम को काफी डिले कर रहे थे सो वो उस रिकॉर्ड लेबल से अलग हो गए। फिर वो वापस रोस्टम रिकॉर्ड्स के अंडर ही आ गए और फिर वहीं से अपना म्यूजिक वगैरह रिलीज करने लग गए थे। 2009 में विज ने करेंसी के साथ मिलकर हाउ फ्लाई गाना किया और दोनों आर्टिस्ट में काफी अच्छा बॉन्ड बना और आगे भी साथ में काम किया। अपने इसी बस से वो डबल एक्सएल मैगजीन के फ्रेशमैन क्लास लिस्ट में भी आए और उसी में निप्सी हसल और जे कॉल भी इंक्लूड थे। वैसे रेस्ट इन पीस निप्सी हसल। और निप्सी हसल की बायोग्राफी अपन बहुत जल्द कवर करेंगे। हाँ तो विज का म्यूजिक काफी अच्छा चल गया था और उसके बाद वो रेडियो शोज वगैरह में भी अपीयर होने लग गए थे। Grinding, I've been getting my money, doing a lot of shows and stuff like that, and really connecting with my fans, figuring out my fan base, who I'm making my music for, who enjoys it the most, and what they're getting from my music. And you know, ever since I really tapped into that, and then found my internet presence, I ran with it. विज खलीफा जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रैपर्स में आते हैं जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेट पे अपना फैन बेस बनाया है। 2010 में विज ने एक सुपरहिट मिक्सटेप निकाला जिसका नाम था खुश एंड ऑरेंज जूस। इस मिक्सटेप का नाम इसलिए खुश एंड ऑरेंज जूस रखा था क्योंकि जिस लैपटॉप पे विज खलीफा अपने गाने वगैरह रिकॉर्ड करते थे एक दोस्त ने बोला कि ये लैपटॉप बिल्कुल खुश एंड ऑरेंज जूस जैसा स्मेल करता है। My boy Jake from Canada. Okay. वो mixtape number one trending पे था Twitter पे और number one Google hot search में भी include हुआ। Viz ने फिर ऐसे बहुत अच्छा खासा अपना stardom बना लिया था और काफी अच्छे गाने वगैरह निकालने लग गए थे लेकिन अभी तक उनको एक international breakout नहीं मिला था। 2010 में Viz Atlantic Records से साइन हुए और एक गाना रिलीज करा उन्होंने जिसका नाम था Black and Yellow। ये पहला गाना था जिससे Viz को वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा एक्सपोजर मिल चुका था और ये पहला गाना था Viz का जो मैंने सुना था। ये गाना एक सेंसेशनल हिट था और इसके रीमिक्स में बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि स्नूप डॉग, जूसी जे और टी-पेन भी थे। ये इतना वायरल गाना था कि बहुत अलग अलग कंट्री और लैंग्वेजेस में भी इसके रीमिक्स वगैरह भी बनने लग गए थे। There's like a Dominican remix, there's like a Japanese remix. It's crazy, you know. It makes the record bigger every time it gets like new life when people remix it and, you know, do their own versions and have their crowd on to it. Finally, 2011 में विज अपना नेक्स्ट एल्बम ड्रॉप करने ही वाले थे रोलिंग पेपर्स। उससे पहले उन्होंने एक मिक्सटेप निकाला जिसका नाम था कैबिन फीवर 2। इस मिक्सटेप से काफी अच्छा खासा प्रमोशन मिल चुका था विज के आने वाले एल्बम रोलिंग पेपर्स को और उसके बाद फिर उन्होंने वो एल्बम रिलीज करा और वो सुपर हिट साबित हुआ। रिलीज के फर्स्ट वीक में ही काफी सारे यूनिट्स बिक गए थे उस एल्बम के। उस एल्बम के बाद विज खलीफा ने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा अपने करियर में। गाने, एल्बम, मूवीज, शोज सब में विज धूम मचा रहे थे। काफी सही मोमेंटम पकड़ा था उन्होंने। एक स्टूडियो में साफ सफाई से लेके वर्ल्ड वाइड स्टारडम तक का सफर तय किया है उन्होंने। तब से लेके अब तक विज के सारे एल्बम्स और गाने वगैरह मस्त चल रहे थे। रिसेंटली उन्होंने एमएमए फाइटिंग की ट्रेनिंग भी ली है और इसी वजह से उन्होंने अपनी अच्छी खासी बॉडी भी बना ली है। मतलब पहले वो बहुत पतले थे लेकिन अब उन्होंने अच्छा खासा गेन कर लिया है। और फास्ट एंड फ्यूरियस में उनका जो गाना है चार्ली पूथ के साथ सी यू अगेन वो वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो लिस्ट में आता है यूट्यूब के। तो ऐसे ही विज खलीफा धूम मचा रहे हैं और आई होप ये कोरोना वगैरह सब खत्म होने के बाद फिर वो फिर से इंडिया के टूर पे आएंगे। लास्ट टाइम में जा नहीं पाया था, ऑब्वियसली पैसे नहीं थे, तो इस बार अपन पैसे वैसे इकट्ठा कर लेंगे पहले ही। तो दोस्तों आज अपन यही विज खलीफा की बायोग्राफी खत्म करते हैं और अब मैं आपको तुरंत इंटरनेशनल हिप हॉप के कुछ अपडेट्स दे देता हूं। फ्यूचर ने अपने सारे इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह सब डिलीट कर दिया है। ड्रेक ने रिसेंटली एक एक्सपेंसिव याच लिया है और ट्रिपी रेड ने अपना वापिस हेयर रेड करवा लिया है। तो गाइस अब बारी है शाउट आउट की। तो आज का शाउट आउट जाता है नॉर्थ ईस्ट की शान डी रेनियो को। ये अपने चैनल से शाउट आउट मिलने वाली पहली फीमेल आर्टिस्ट है। काफी सही काम है इनका। इनके जो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूँ तो फिर आप सभी लोग जाके चेक करना इनको। अभी मैं डी रेनियो का एक वीडियो प्ले कर दूंगा। तो गाइस मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। रेनियो मेरा नाम है, रैप मेरा काम है, सुन ले सभी ध्यान से ये साली रैप में तेरी माँ है। हिंदी थोड़ी बुरी है पर फिर भी चमत्कारी है, आऊंगा तो गोस्ट राइटर सारी लिरिक्स मेरी है। टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से साली बोल क्या रही है समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूँ जबको तुमको यही इंग्लिश नहीं आता। This one for you people out there, look at me rapping in Hindi, sun lo sabhi I'm rapping in Hindi, mujhko aata nahi Hindi, phir bhi try na mai Hindi, abhi saalo hasa mat jaake
करके थोड़ा लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरे बारे में कोई बुरा बोले तो उसका दांत तोड़ दो, मेरे हेटर्स को भी बहुत छोड़ भी जाके थोड़ा मस्तबेट कर लो, मेरे पोस्ट में कमेंट करके सालों थोड़ा इरिटेट करो। Who just trying out?